यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस चार बराबर जीरो के मूल समान हैं तो k का मान होगा a एक, b दो, c चार, d तीन। हमें दिया गया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस चार बराबर जीरो के मूल समान हैं। तो मूल समान होने पर कंडीशन क्या है, d अर्थात विवक्तिकर शून्य होता है, समीकरण का विवक्तिकर जीरो के बराबर होता है। अब यदि हम दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करते हैं, जो कि हमारा मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का, तो a अर्थात एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना आता है, एक के बराबर। a अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां कितना है, एक। x का गुणांक है माइनस के, तो b का मान हो गया माइनस के, और अचर पद कांस्टेंट टर्म यहां पर है चार, तो c का मान हो गया चार। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से दिए गए समीकरण की तुलना करके हमने प्राप्त किया a बराबर एक, b बराबर माइनस के और c बराबर चार। अब d बराबर जीरो तो हम जानते हैं d होता है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस चार ए सी। ए बी और c के मान रखने पर d बराबर हो गया माइनस के का होल स्क्वायर माइनस चार इंटू एक इंटू चार। बी का मान हमने रख दिया माइनस के, ए है एक और सी है चार। सरल करें तो सरल करने से ये मान हो गया के स्क्वायर माइनस सोलह। अब क्योंकि डी बराबर जीरो हमें रखना है, समीकरण के मूल समान हैं, तो के स्क्वायर माइनस सोलह बराबर जीरो अर्थात के बराबर हो गया प्लस माइनस चार, क्योंकि के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल लेंगे तो मान आएगा प्लस माइनस चार। अब यहां हमें विकल्प सी क्या दिया है, विकल्प सी है हमारा चार, इसलिए विकल्प सी यहां सही विकल्प है। यदि x बराबर एक, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस तीन बराबर जीरो तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर जीरो का उभयनिष्ठ मूल है, तो ए बी का मान होगा ए एक, बी 3.5, सी 6, डी 3। हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें मिला है x बराबर एक, दो समीकरण दे रखे हैं, उनका उभयनिष्ठ मूल है, उभयनिष्ठ मूल है तो वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। इसलिए x बराबर एक दोनों दिए गए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस तीन बराबर जीरो तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर जीरो को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा से अभिप्राय यह है कि यदि हम एक्स बराबर एक दोनों समीकरणों में रखें तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे, अर्थात हम जब पहले समीकरण में रखते हैं तो क्या पाते हैं कि ए इंटू एक स्क्वायर प्लस ए इंटू एक प्लस तीन बराबर जीरो। यहाँ पहला समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, इसमें हमने x के स्थान पर एक रख दिया, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है x बराबर एक। यहाँ अब हम इस समीकरण से a का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो सरल करें समीकरण को, दिस इंप्लाइज a प्लस तीन बराबर जीरो। एक का स्क्वायर एक होता है तो a इंटू एक हो गया एक, प्लस दूसरा पद क्या है a इंटू एक अर्थात a प्लस तीन बराबर है जीरो, तो 2a बराबर हो गया माइनस तीन, अर्थात हम a का मान प्राप्त करते हैं, a है माइनस तीन बटा दो। a का मान हमने निकाल लिया माइनस तीन बटा दो, x बराबर एक समीकरण पहले में रख के। अब x बराबर एक हम समीकरण दूसरे में रखते हैं, जो दूसरा समीकरण मिला है उसमें हमने x बराबर एक रखा तो हमको क्या मिलता है, एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस बी बराबर है जीरो। दूसरा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर जीरो है, x बराबर एक यहां पर रख दिया, हमने प्राप्त किया एक स्क्वायर प्लस एक प्लस बी बराबर जीरो, जो हमें देता है कि b का मान हो गया माइनस दो। b का मान कितना हो गया,
एक रैखिक समीकरण मिल गया है हमें, जिसने हमें दिया b बराबर है माइनस दो। हमें प्रश्नानुसार ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। ए हमें हमने ज्ञात कर लिया माइनस तीन बटा दो, बी हमारा है माइनस दो, तो ए बी बराबर हो गया माइनस तीन बटा दो इंटू माइनस दो। माइनस जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मान आया तीन, तो इसलिए ए बी बराबर है तीन। अब हम विकल्पों को देखते हैं, विकल्पों में दिए गए विकल्पों में डी विकल्प है तीन, तो अतः विकल्प डी अर्थात तीन हमारा सही विकल्प है, तो अतः डी विकल्प सही है।